बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू करा है, तो दोपहर में मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल, इसको मलका की दाल कहते हैं, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने भिगो दी है। इसको मैंने वॉश कर ली थी अच्छी तरह, और अब मैंने इसको बॉयल करने रख दी है। दाल में बॉयल आ गया और मैंने इसकी झाग निकाल दिया। अब मैं इसमें हसबे ज़रूरत नमक डाल ली हूँ, हल्दी डालेंगे 1.5 चम्मच, पिसी हुई मिर्ची डालेंगे 1.5 चम्मच, टमाटर और हरी मिर्ची डालेंगे। एक मैंने टमाटर लिया था, 3-4 हरी मिर्ची ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया और ये शामिल कर दिया अब इसमें। ये दाल बहुत मज़े की बनती है और हमारी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं मिर्ची बना रही हूँ, तो इसका मसाला मैंने खुद ने बनाया है। इंशाल्लाह किसी दिन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत मज़े की बनती है। बस तेल गर्म हो गया, अब मैं इसको फ्राई करने रख दूंगी। जब दाल थोड़ी पक गई थी, तो मैंने इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ गुड़ डाला था और थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाला था, और ये तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें वघार लगा दूँगी। वघार डालेंगे अब, तो मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया। अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर लिए, लहसुन डालेंगे बारीक चॉप करा हुआ, इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्का हल्का गोल्डन फ्राई हो जाए, तो इसमें बाकी के चीज़ें शामिल करेंगे। हल्का हल्का फ्राई हो गया है, तो मैंने इसमें हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है। जीरा शामिल करेंगे 1 चम्मच, और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, और अब मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल शामिल कर दी है थोड़ी सी, और अब इसका वघार दे देंगे। मज़ेदार सी हमारी साबुत मसूर की दाल तैयार है, और इसके साथ मैंने चावल बनाए। हमारी फैमिली में इसके साथ चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और यहाँ हम सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिया है नया कंप्यूटर। मेरी बहन एडिटिंग वगैरह करती है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो मेरे छोटे भाई ने इसको कंप्यूटर लेके दिया है। लैपटॉप तो था हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत थी, और रिंग लाइट और स्टैंड भी लेके दिया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ।
दोपहर का खाना वाना खा के हम लोग फारिग हो गए और यहाँ अभी चढ़ा रही है पाए, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये है स्नैक टाइम, तो यहाँ हम लोगों ने मंगाए समोसे, बिस्किट और बागर खानी और चाय बनाई है। और ये है डिनर टाइम और पाए बिल्कुल तैयार हो गए, तो यहाँ गरम मसाला शामिल कर दिया है और हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक शामिल कर देंगे। जब भी आपके कुछ अच्छा बने तो पड़ोसियों को ज़रूर याद रखा करें, उनके ज़रूर भिजाया करें, तो अभी मैं पड़ोस में भिजवा रही हूँ। और अब हम सब डिनर करेंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी आप मुझे उस पर भी फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।